अस्सलाम वालेकुम जी, नए वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, पंजाब पुलिस में शानदार और ज़बरदस्त भर्ती शुरू होने जा रही है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये वीडियो आप पूरी देखेंगे और जब एडवर्टाइजमेंट इसका आएगा तो आप लोग खुश हो जाएंगे। तो आप सब दोस्तों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को आपने कम्प्लीट देखना है। ये 3 से 4 मिनट या 5 मिनट की वीडियो होगी, तो आपने इस वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि आपको आपको मुकम्मल मालूम मिल जाए। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपको बताएंगे जी, इस वीडियो में भर्ती कब और कैसी होगी, आप किस सोर्स के थ्रू, किस तरीका कार के तहत आप अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा जी, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकेंगे, कौन कौन अहल और ना अहल होंगे, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी, और कौन कौन लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे, किस किस सिटी के लोग इससे ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये तमाम की तमाम मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त होगी, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह के आने वाली जॉब्स की मालूमात, और ख़ास तौर पर जब पंजाब पुलिस में जॉब्स आएँ, तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात शेयर हो सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अच्छा जी, कमिंग टू द पॉइंट, ये पंजाब पुलिस में कितनी असामियाँ होंगी, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होंगी। तो पंजाब पुलिस में आने वाले कुछ महीनों में, उम्मीद करता हूँ कि फरवरी या मार्च में, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, तो जो मालूमात मेरे पास आ रही हैं, जिस तरह के थ्रू सोर्स के थ्रू मालूमात आ रही हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नाजरीन। तो ये मालूमात कुछ मेरे तक आई हैं कि कुछ फरवरी के आखिर में या मार्च में कुछ ये असामियाँ आएँगी। तो इन असामियों के लिए उम्र की हद जो है रखी गई ना, वो सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। उम्र की हद मेल और फीमेल दोनों के लिए 18 से 32 साल तक रखी गई है। पूरे सूबा पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो जो लोग ज़्यादा तलीम याफ्ता थे लेकिन उनकी उम्र निकल जाती थी, लेकिन अब जो है वो 18 से 32 साल उम्र की हद रखी गई है। तो तमाम के तमाम लोग 18 से 32 साल के इन दरमियान दरमियान वाले लोग जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। तो इसमें उम्मीद करता हूँ कि उम्र की हद में रियायत भी दी जाएगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तहत, तो फिर उम्र की हद में ज़्यादा आपको रियायत मिल जाएगी। तो इसमें जो है वो 18 से 32 साल उम्र की हद वाले अप्लाई कर सकेंगे पूरे पंजाब से। ये बड़ी खुशखबरी है कि पूरे सूबा पंजाब से अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा जी, समरी के मुताबिक आपके मालूम देता हूँ, जो पंजाब पुलिस में 318 इंस्पेक्टर की लीगल भर्तियों का फैसला आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से ये जारी कर दिया गया है, ये भर्ती मंजूर हो चुकी है। फिर मैं बता दूँ कि 318 इंस्पेक्टर की भर्ती की समरी मंजूर हो चुकी है। तो ये समरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो जारी करेगा, और ये समरी उसको भी मंसूर हो चुकी है। और कमीशन भर्तियों का इश्तिहार कौन कौन सी जगह पे देगा, रोज़नामा जंग में देगा और दी न्यूज़ में देगा। तो समरी जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तक पहुंच चुकी है। अब ये भर्तियां वो कब अनाउंस करता है, तो ये देखना होगा ये भर्तियां कब अनाउंस होती हैं। आपने इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इस जॉब की जब भी मेरे पास अपडेट्स आएँ तो मैं आप तक जो है वो मालूम पहुँचा सकूँ। आप जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका कार मौजूद है। पूरे सूबा पंजाब से मेल और फीमेल उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे। कोई घर कोई एप्लीकेशन फॉर्म आपको लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर सबमिट कर देना है। अच्छा जी, इसमें जो है वो सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट के बारे में मालूम लिखी हुई है कि इंग्लिश ऐसे सब्जेक्टिव, उर्दू ऐसे, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान इस्लामिक स्टडीज़, ये कुछ मालूम लिखी हुई है जी। इसमें वाइवा भी होगा। ये आपका उम्र की हद, यानी कि मैंने आपको बताई थी कि 18 से 32 साल होगी, बराए मर्द कद 5'5" होना चाहिए, छाती 32 × 33.5 होना चाहिए, और ब्राय ख़वातीन कद जो है वो 5'2" तक होना चाहिए। तलीमी काबिलियत में ला ग्रेजुएट दी गई है, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो देखेंगे कि इसमें तलीमी काबिलियत का क्राइटेरिया, एग्जैक्ट क्राइटेरिया सही तौर पर क्या दिया हुआ है। ये कुछ मालूम आ रही हैं जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं। फर्दर जब जब मालूम मेरे पास आएंगी तो आपके साथ इसी चैनल पर मैं शेयर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह के आने वाली जॉब्स की मालूमात और अपडेट्स मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।